तो दोस्तों पॉलीकैब इंडिया ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा समझने के लिए। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3332 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 3371 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ऑपरेशन के थ्रू जो है वो 3715 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 10% के आसपास की तेजी देखने मिली है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बात करें तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 11% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू शानदार है, क्योंकि कंपनी ने साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर देख दिए तो दोनों में 10 और 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं, क्या कंपनी ने एक्सपेंस खर्च किया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2970 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3069 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का खर्चे थोड़े से बढ़ चुके हैं, 3273 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, इस वजह से कंपनी के खर्चे भी थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं, क्या कंपनी का प्रॉफिट बना है। पिछले क्वार्टर में 270 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 316 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 360 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के आ चुका है। तो आपका देखिए साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाया अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास, लेकिन जब कंपनी का प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 16% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर क्वार्टर तो बहुत बड़ी जंप आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 30% के आसपास की तेजी है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। ओवरऑल बोले तो ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस क्या बना है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस अगर देखा जाए तो ईपीएस 63 रुपये 40 पैसे के आसपास था, अभी देखा जाए तो अभी 133 ईपीएस की बात करें तो ईपीएस के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। जी हाँ, ईपीएस यहाँ रहा 21 रुपये का ईपीएस हुआ करता था, बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 24 रुपये के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल गए नंबर्स बहुत शानदार है, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू शानदार दिया है क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों, ऊपर से कंपनी का प्रॉफिट भी रेवेन्यू से कई ज़्यादा बेहतर साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखने को मिला है। तो ओवरऑल नंबर शानदार है, शेयर के अंदर एक तेजी बनी रह सकती है आने वाले समय में। बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।